जी, तो नेक्स्ट क्लास शुरू करें। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में अब हम लोगों ने कहा था ना, सेंटर बहुत सारे पढ़ने हैं, जिसमें से पहला नाम है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रक। केंद्रक कहा जाता है इस हिंदी में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है। ठीक, तो ये होता क्या? तो सेंट्रॉइड से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होती है जिसका नाम होता है मीडियन। क्या नाम होता है मेरे भाई? मीडियन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? माध्यिका। माध्यिका, ठीक, माध्यिका। तो मीडियन क्या होता है? सबसे पहले हमें यही समझना है कि जैसे अगर आपके एक ट्रायंगल है, जैसे आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम बी सी भुजा के मध्य बिंदु को ए से मिला दें तो ए डी मिलता है, और ए डी हमारा क्या हो जाता है? माध्यिका। ठीक है, मीडियन। फिर अगर हमें सामने वाली भुजा पे डालना है ए सी पर, तो ए सी पर भी एक मध्य बिंदु हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? मान लीजिए बी ई। और इसी तरह एक और हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है? सी एफ। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर तीन माध्यिकाएं होती हैं, जो तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इतना पॉइंट क्लियर? अच्छे से। तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन होती है क्या? मीडियन, ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी, सभी माध्यिकाएं जी बिंदु पर मिलती हैं। सभी माध्यिकाएं जी बिंदु पर मिलती हैं, तो ये जो जी बिंदु आपका है, यही आपका क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। ठीक है, यानी कि हम इसे सिंपल सा कह सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सभी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। ठीक, सिंपल सा, कोई अलग डेफिनेशन नहीं है इसकी। सभी के सभी मीडियन को बस मिला देना होता है। जैसे ए बी सी, फिर से इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बड़ा बना के समझा दें आपको, कि ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी एक मीडियन है। मीडियन का मतलब सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटना। ये एक दूसरा मीडियन है जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, बी ई नाम दे दिया गया। और ये एक तीसरा मीडियन है जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है। तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिली, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। क्लियर? अब इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो केंद्रक है वो मीडियन को रेशियो में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है? तो आपको लिख दिया जाए कि ए जी अपॉन जी डी, मीडियन हो गई ए डी, तो ए डी अपॉन जी डी, या फिर बी जी अपॉन जी ई, या फिर सी जी अपॉन जी एफ, बराबर रेशियो कितना हो जाएगा? 2/1। इसका प्रूफ आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी चीज है। ट्रपेजियम बना के इसको प्रूफ किया जा सकता है, या एरिया के बेस से इसको प्रूफ किया जा सकता है। दोनों चीजों से प्रूफ किया जा सकता है, बट प्रूफ की जरूरत कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि अगर ये वाला पोर्शन 2 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होता है? 1। ये वाला पोर्शन हमेशा बड़ा वाला, जो शीर्ष से केंद्रक की दूरी होती है वो बड़ी वाली होती है, और जो केंद्रक से नीचे भुजा तक की दूरी होती है वो छोटी होती है। तो ये वाला पोर्शन 1 होगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन 2 होगा, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना होगा? 1। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि केंद्रक जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये तो हो गया साइड का रेशियो, मीडियन का रेशियो। उसके बाद आपको जो कुछ पॉइंट्स और समझने हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी ध्यान से समझेंगे। कि जैसे आपका एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया आपका मीडियन। मीडियन का मतलब ये दोनों बराबर। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है और दोनों का आधार भी बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है ना, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करें? हम सभी लाइनों को, सभी मीडियन को फिर से एक बार बना दें। ठीक है, जब आप सभी मीडियन को बनाओगे, तो याद रखना कि देखो, अब ये भी एक त्रिभुज हो गया, एक ये भी त्रिभुज हो गया, तो इसका और इसका एरिया बराबर, इसका और इसका एरिया बराबर, इसका और इसका एरिया बराबर। तो अगर हम लोग केवल एक पोर्शन को ले लें, डी ई एफ,
और बीच में कितना आ रहा है जी। तो अगर हम किसी भी एक सेक्शन को ले लें, जैसे बात करें हम एरिया ऑफ किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी जी, जी कौन सा पॉइंट है मेरे भाई, सेंट्रोइड। तो ये जो है वो पूरे का कौन सा भाग है, एक बटे छह ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। उसके बाद ये आपका सेंट्रोइड था, ऐसे भी कुछ बना सकते हो, नीचे तक मत लेके आओ। तो ये एरिया और ये एरिया भी बराबर होता है, आप देख सकते हो फिगर से, ठीक है। यहां से देखो ना, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो अगर ये पॉइंट फिर से जी लिया है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो यहाँ पे केवल बी डी जी नहीं ले सकते थे, कोई भी ट्राइंगल ले सकते थे। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हमें बी जी सी का एरिया निकालना है, ट्राइंगल बी जी सी का एरिया निकालना है, तो वो टोटल का एक बटे तीन भाग हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये चीज याद रहेगी, ये छोटे छोटे पॉइंट काम आता है। फिर और अगर हम फिगर बनाना चाहें तो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तीनों मिला दिए, तो जब तीनों मिला दिए तो इसका 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 इन चारों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, बराबर, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई, ये छोटे छोटे पॉइंट है, एरिया बराबर करना है। कैसे होता है तो आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया जा चुका है, ठीक, आ गया समझ में। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, प्रस्थान करें आगे। अब इसके बेस्ड में क्वेश्चंस करने, सेंट्रोइड से रिलेटेड, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन अ ट्राइंगल एबीसी ऑल थ्री मीडियंस एडी बीई एंड सीएफ इंटरसेक्ट एट जी, ओके। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में एडी बीई तथा सीएफ एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते हैं। If area of triangle ABC is equal to 102, ABC का जो area दे रखा है वो कितना दे रखा है, 102, ठीक। हमसे पूछा क्या है, quadrilateral BDGF, हमें इसका area पूछा गया है, ठीक। तो आप लोगों को याद हो, अगर ये portion 1, 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 ये सारे के सारे छह हो, इससे आपस में बराबर होते हैं, तो हमसे BDGF पूछा गया है, तो टोटल कितने हिस्से हो गए, दो। टोटल हिस्से कितने हो गए, दो, और टोटल ट्रायंगल में कितने हिस्से होते हैं, छह। इसका मतलब एरिया ऑफ बी डी जी एफ बराबर क्या है, दो बटे छह, दो बटे छह इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने इसको छह टुकड़ों में बांटा है, तो दो बटे छह ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो दो बटे छह का मतलब एक बटे तीन हो जाना है, और यहां पर 102, तो 3 × 9, 3 × 12, आंसर कितना, 34, ठीक, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन ही करते रहने, बस सेंट्रोइड वाले भी सारे क्वेश्चन लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना लिया। मीडियन एडी, मीडियन एडी, ये आपका एडी हो गया, और सीएफ, ये आपका सीएफ हो गया, ठीक। वैसे इस क्वेश्चन को बाद में कराना चाहिए था ना, आपको बाद में कराना चाहिए था क्या, है तो बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी इस टाइप का क्वेश्चन हुआ नहीं, एक बार हम देख लें क्या इसी का है या बाद का है। तो यहाँ पे जी हो गया, फाइंड द रेशियो ऑफ ए जी सी एंड क्वाड्रिलेटरल बी जी ए जी सी, कर सकते हैं, अभी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एरिया वाला है, हमें लगा दूसरा आएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ से भी मीडियम क्वेश्चन में कहा नहीं था, बट हम इसको बना देते हैं, तो एडी हो गया, ये कौन सा होता है, बी। क्वेश्चन में किसका किसका एरिया पूछा गया, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है और एक क्वाड्रिलेटरल है, उनका अनुपात पूछा गया है। तो पहली बात हो रही है एजीसी की, एजीसी से पहले हमें इतनी बातें पता है कि ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो है, इनका सबका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि सबका एरिया जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एजीसी की, तो ये वाला पॉइंट ही हमारा जी होगा। एजीसी कितने भाग आ रहे हैं, दो, किसका एरिया सबसे पूछे, पहले ए जी सी, और किसका, क्वाड्रिलेटरल
बी डी जी एफ, हमें लगा साइड वगैरह पूछना इसलिए हम कह रहे थे बाद में करेंगे। तो ए जी सी का जो है वो वन प्लस वन कितना एरिया हो गया, टू, और उसके बाद बी डी जी एफ, बी डी जी एफ में भी कितने पोर्शन आ रहे हैं, दो, तो दो बटे दो आंसर कितना आना है, वन बाई वन, रेशियो पूछा गया था इसलिए वन बाई वन, यानी कि दोनों का जो एरिया है वो आपस में बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वो मीडियन, ए डी जो है वो मीडियन, उसके बाद जी इज द पॉइंट ऑफ ए डी, जी एक पॉइंट है। अब ये नहीं बोला है कि जी जो है आपका वो सेंट्रॉइड, बस ये बोला है एडी का जी जो है मिड पॉइंट ऑफ एडी बोला है। हाँ, तो ये मिड पॉइंट बोला है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये सेंट्रॉइड नहीं है। सेंट्रॉइड होता तो रेशियो कितना होता, 2:1, बट उसने बोला है क्वेश्चन में क्या कि दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, अब है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी हमको दे रखा है 42। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिएगा, आपको अच्छे से पता है कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है और ये दोनों बराबर हैं और ये हाइट तो बराबर हो ही गई, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जी सी का एरिया कितना है, 42। चूंकि ए जी सी का एरिया 42 है और जी जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी जी सी का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 42। बोलो, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो दोनों का मध्य बिंदु है, तो बेस बराबर हाइट बराबर, जब बेस और हाइट दोनों चीजें बराबर है तो एरिया भी बराबर हो गया, और एरिया बराबर हो गया तो पहले वाले का 42 है तो दूसरे वाले का भी 42 होगा। इस प्रकार ए डी सी का एरिया कितना हो गया, 84। ठीक, ए डी सी का एरिया कितना हो चुका है, 84। हमसे पूछा किसका गया है एरिया, हमसे एरिया पूछा गया है बी जी सी का। ठीक, हमसे एरिया पूछा गया है बी जी सी का, तो वैसे भी आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी यार, सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया कितना आ चुका है, 42। ठीक, अब ये जो है एक दूसरा ट्रायंगल बन गया, अगर ये वाला 42 है तो ये वाला भी कितना होगा, 42 ही तो होगा, है कि नहीं, 42 ही तो होगा। अब सिंपल सा सोचना क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक, अब पूरा एक ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल की हाइट हो गई और ये जो हो गया वो एक पार्ट हो गया, और ये बेस बराबर हाइट बराबर सब कुछ बराबर, तो अगर ये वाला 42 है तो ये वाला भी तो 42 ही होगा ना, तो कुछ सोचना नहीं है, आंसर कितना हो जाना है, 42। समझ में आ गई बात, अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से दूसरे कलर से फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं, बिना समझाए आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है क्या बेटा, कि सिंपल से एक ट्रायंगल था एबीसी और एक लाइन थी आपकी डी, एक लाइन थी आपकी डी और जी इसका मध्य बिंदु था, इस बार जी सेंट्रॉइड नहीं था ना, तो जब मध्य बिंदु था अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा, क्योंकि हाइट तो दोनों ट्रायंगल की सेम है और ये लंबाई भी दोनों की बराबर है, तो 42 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है हमें इस वाले छोटे वाले सेक्शन का, इतने सेक्शन का पूछा गया है, तो अब सिंपल सी बात बताओ कि ये एक पूरा बड़ा ट्रायंगल आप देख लो, ये हाइट है और ये जो है ये दोनों भुजाएं बराबर है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो हाइट ये 42 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 42। बेस बराबर हाइट बराबर ट्रायंगल के लिए और क्या चाहिए, बेस और हाइट अगर बराबर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ये, देखो आप बेस दोनों का बराबर दोनों की हाइट बराबर, तो ये वाला भी कितना हो गया, 42। अब समझ में आ गया हो, ठीक आगे चलो फिर। अब उसके बाद दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी, जिनमें से दूसरा वाला पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली तो थ्योरम, इसका पूरा सबका प्रूफ होता है, बट प्रूफ कोई काम का नहीं है आपका, ना आपके एग्जाम में आना है ना आपके लिए जरूरी है। आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे हमारा कोई त्रिभुज, तो ऐसा नहीं है कि त्रिभुज नहीं है आपका, है तो मेन त्रिभुज की कहानी हो रही है, ये आपका ए है, ये आपकी बी है, ये सी है, और यहाँ पे आपका फिर से बन गया डी, और यहाँ पे आपका फिर से बन गया ई, और यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, एफ। ठीक है, तो पहली चीज लिखी हुई है कि साइड के स्क्वायर का सम, भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4/3 भाग होता है। ठीक, देख सकते हो एडी माध्यिका, बीई माध्यिका, सीएफ माध्यिका, उनके माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4/3 भाग जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर होता है।
ठीक। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा, त्रिभुज एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होता है 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, यानी कि माध्यिकाओं से बना त्रिभुज, माध्यिकाओं से बना त्रिभुज। अब एक सिंपल सी बात समझ लेना, ये है क्या चीज कि जैसे अगर हमारा ये वाला ट्रायंगल है एबीसी, तो ये ट्रायंगल तो बड़ा वाला समझ में आ रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हमें क्या देखना है कि एक भुजा मान लीजिए मीडियन एडी हो गया, और दूसरा मीडियन बीई हो गया, और तीसरा मीडियन सीएफ हो गया, तो त्रिभुज बनाने के लिए कितनी भुजाओं की जरूरत होती है, तीन भुजाओं की जरूरत होती है, 1, 2, 3। अगर हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल जाए तो हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल जाए तो चाहे हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू एच वो लगा देंगे तो हम एरिया निकाल लेंगे। और इन मीडियन की हेल्प से हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा, देखो ये जो एक ट्रायंगल बना सकते हो ना, ऐसा नहीं कि सर ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, बना तो सकते हो मेरे भाई। AD एक साइड है, BE एक साइड है, तो इसी साइड को BE मान लिया, और तीसरी साइड कितनी हो गई आपकी CF। ठीक, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप कहो कि सर दो नाम क्यों रखे हुए हैं, तो मेरे भाई एक भुजा लिया आपने BE, दूसरी भुजा आपकी क्या है CF, और तीसरी भुजा क्या है आपकी, ये तीनों भुजाओं को ही तो जोड़ना है। ठीक, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कर लो फिर जल्दी से। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हुज लेंथ ऑफ मीडियंस आर 3, 4 एंड 5, जिसकी माध्यिका की लंबाइयां क्रमशः 3, 4 और 5 है। एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 1, 3 है, 1, 4 है, और तीसरी कितनी है 5। हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि त्रिभुज ABC का। ठीक, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सीखा गए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4/3 टाइम्स ऑफ माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं से, आगे समझ लेना, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4/3 भाग के बराबर होता है। तो हमें यह पता करना है 4/3। अब हमें माध्यिकाओं से जो ट्रायंगल बन रहा है तो उनकी साइड कितनी है 3, 4 और 5, और आपको ये अच्छे से पता है कि 3, 4, 5 जो है वो एक राइट एंगल साइड ट्रायंगल की साइड होती है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, 2, 2 नहीं 4, 3 से 3 खत्म, बराबर कितना आ गया 8। ठीक, 3 से 3 खत्म क्या है, 2, 2 नहीं 4 हुआ है, तो बचा कितना 8, यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल मिलेगा भाई साहब वो कितना मिलेगा 8। क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर है, तो आगे बढ़ो। इसके बाद सेंट्रॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे हम क्या कहेंगे, हाउ टू फाइंड द मीडियन, यानी कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गई तो माध्यिका कैसे निकालोगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बनता नहीं है, परपेंडिकुलर तो होता नहीं है माध्यिका, कि हम माध्यिका निकालें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो माध्यिका कैसे निकालें। तो माध्यिका निकालने के लिए भाई साहब एक फॉर्मूला प्रूफ किया गया जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम, हिंदी में भी यही कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि AB² + AC² बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD² + BD², तो सर रट लें, रटना तो पड़ेगा, बट समझने के बाद ये रहा आपका एक ट्रायंगल शानदार सा ABC, और ये रही आपकी माध्यिका AD। ठीक, अगर हमें AD की लंबाई बता देनी है तो हमें त्रिभुज की मान लीजिए तीनों भुजाएं दे रखी हैं, और जब ये माध्यिका है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो AB² यानी कि इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर 2 गुना ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। BD की जगह आप क्या ले सकते हैं, CD भी ले सकते हैं, बात बराबर है। तो मीडियन के लिए बस मेरे भाई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको कि इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस, अब AD के स्क्वायर में BD ले सकते हो या DC ले सकते हो, कोई भी एक चीज ले सकते हो बिना टेंशन के। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो इसमें जल्दी से कुछ प्रश्न करने का कष्ट करें जल्दी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, डायरेक्टली मीडियन पूछी गई है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD। तो पहले तो हमने ट्रायंगल बना लिया है ABC,
वहां पे जाके हमने मीडियन बनाया है कौन सा, डी, और ये बताया है कि ए बी बराबर 5 है, ए सी बराबर 6 है, बी सी बराबर कितनी है 8। तो मेरे भाई जब बी सी बराबर 8 है तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया 4 और 4, हमें ए डी की लंबाई पता करनी है। अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 times ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो मेरे भाई फॉर्मूला रटना ही नहीं है, फिगर के साथ समझना है, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ए बी बी सी सी ए दिए हो, पी क्यू आर एस भी तो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसलिए फिगर से देख के समझना है कि पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर बराबर माध्यिका का स्क्वायर प्लस आधी तीसरी साइड का स्क्वायर इंटू 2। ठीक, सारी वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ए सी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 2 times ऑफ ए डी, ए डी पता करना है, प्लस बी डी, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू कितनी है आधी, 8 का आधा यानी कि 4 का स्क्वायर कितना 16। 36 और 25 इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 61। 2 इधर आएगा डिवाइडेड बाई 2 बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें कि 16 को इधर भेज दें तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाना है 61/2 माइनस 16। तो 61 माइनस 32/2 आ जाना है ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाना है, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 29/2 यानी कि ए डी बराबर कितना हो जाएगा √29/2। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना आप लोग। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 times ऑफ ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर तो हमें पता ही करना था, और 8 ये टोटल साइड दे रखी है तो कितनी हो जाएगी 4। तो 36 और 25, 35 25, 60 और 61, 61/2 बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 16। तो 16 2 = 32 माइनस होगा ना 16, हाँ 30.5 में से 16 माइनस करना था केवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका सही है। ठीक है, तो AD बराबर √29/2। फिर भी हम ये कहेंगे एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है मेरे भाई कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो। ये भुजा इसके बराबर और समांतर होती है, ये भुजा इसके बराबर और समांतर होती है। ठीक है, तो ABCD हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम जिसमें क्वेश्चन में AC की लंबाई सबसे पहले दे दिया। देख लो इनको, सबसे पहले AC की लंबाई दे रखी है डायगोनल, और इसके जो डायगोनल होते हैं ना मेरे भाई, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली भुजा 7 है और ये वाली भुजा भी कितनी है 7 है। ठीक है, 14 टोटल दी थी, 7 7। अब BC की लंबाई कितनी दे रखी है 18, जब BC 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा 18। AB बराबर कितना है 16, तो ये भी कितना हो जाएगा 16। हमसे पूछे गई है अदर डायगोनल हमसे पूछा गया है। मान लिया कि ये जो है वो O बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक, तो हम त्रिभुज ADC में अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। क्या कहती है, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर 2 times ऑफ OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, AD का स्क्वायर, तो AD की वैल्यू कितनी है 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। CD बराबर कितना दे रखा है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256 बराबर 2 times ऑफ OD का स्क्वायर, OD की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और OA का स्क्वायर हमको पता करना है। या OD होगा ना, अभी अच्छा OD एक चीज है, मतलब OD यहाँ पता करना है, OA की वैल्यू हमने रख दी थी। ठीक है, अब से सॉल्व कर ले, 56 और 24 मिलाकर कितना होता है 80, तो टोटल कितना हो जाएगा 580। फिर बाद में ये 2 डिवाइड भी करेगा और यहाँ पे हो जाना है आपका बराबर के बाद 49+OD2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 0 बराबर 49+OD2। तो OD2 बराबर कितना हो जाना है 241, तो OD बराबर √241। ओके,
हो गया। दूसरे विकर्ण की लंबाई, सुनना फिर से, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में ओडी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया ये बताओ कि दूसरा विकर्ण क्या है, तो दूसरा विकर्ण कितना है हमारा टोटल बीडी, बीडी बराबर क्या होता है 2 × OD, तो 2 × OD का मतलब क्या हो जाता है अंडर रूट 241 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का कष्ट करोगे खुद से, सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है, आंसर दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बाकी तो हम बताएंगे, एक बार खुद से कोशिश शुरू करो। क्या कहता है ये प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीडी में, डी दे रखा है, डी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, एबी बराबर 10 है, एडी बराबर 12 है, एसी बराबर 9 है, हमसे बीडी पूछी गई है, कौन सी थ्योरम, अपोलोनियस। अब क्या करोगे, सिंपल सा देखो, नाम चेंज कर दिया ना, अगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करोगे तो हो गया कम, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं जा रहा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, क्योंकि भुजा ए डी है, बराबर 2 times ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस भुजा का आधा यानी कि बी सी का स्क्वायर। अब ठीक है, ए बी की वैल्यू 10 रख दी, 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 100, ए डी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पे कितना आएगा 2, ए सी कितना दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, और यहाँ पे कितना हो जाना है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 244, 244 को 2 से भाग देना है और यहाँ पे बचेगा 81 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 122 माइनस का 81 बराबर बी सी का स्क्वायर, तो दो में से एक जाएगा 1, और उसके बाद कितना बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4, तो बी सी स्क्वायर बराबर इतना, तो बी सी बराबर कितना हो जाना है अंडर रूट 41, बी सी बराबर तो अंडर रूट 41 हो गया, क्वेश्चन में पूछा गया है बी डी, तो अगर ये अंडर रूट 41 है तो ये भी तो अंडर रूट 41 है, बराबर ही तो होता है, तो अंडर रूट 41, अंडर रूट 41, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा 2√41, यही पूछा गया था और यही हो गया आंसर। तो देख रहे हो आप इंपॉर्टेंस, देख रहे हो अपोलोनियस थ्योरम की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंट्रॉइड में, ये थ्योरम आपको जरूर याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीजन मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये, यही लास्ट मेंस हुआ भी है, इसके बाद हुआ भी नहीं। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये कब पूछा गया, सीजीएल 2018 प्री के एग्जाम में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार, क्या कहता है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है, बना लिया ए बी सी, आपको ये तो पता ही है कि जी कहां पे होता है, यहां पे होगा, ठीक, ये हो गया आपका जी, अब ए बी बी सी और सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी रखी है 7, बी सी की वैल्यू कितनी रखी है 24, और सी ए की वैल्यू कितनी रखी है 25, ठीक है, वैसे 7, 24 और 25 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है, ये भी याद रखना, हमसे पूछा गया है बी जी, कोई नहीं, हमसे पूछा गया है बी जी, और आपको ये बताया कि जैसे अगर हम मीडियम बनाएं तो ये बी डी हो गया, ए डी हो गया, ये बी ई हो गया और ये सी एफ हो गया, ठीक, क्या हम बी ई की लंबाई पता कर सकते हैं, क्या हम बी ई की लंबाई पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर बी ई पता चल जाएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बी जी, और बी जी जो है वो 2/3 भाग होता है किसका, बी ई का, और बी ई जो है वो क्या है, मीडियन यानी कि माध्यिका जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो जब BE माध्यिका यानी कि मीडियन है तो मीडियन का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं, अब माध्यिका हमें इसको लेना है, बस ये याद रखना है आपको BE को, ठीक, तो जब माध्यिका निकालना है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का स्क्वायर यानी कि इस फिगर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर 2 times ऑफ BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर 49, बी सी की वैल्यू 24 का स्क्वायर कितना 576, और यहाँ पे 2 times ऑफ बी ई, तो बी ई तो पता नहीं है, बी तो पहले हम पता करना है ना, बी ई और सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 का आधा 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर होता है 156.25, ओके, इन दोनों का सम करोगे ना तो जो आना है वो कितना आना है 625, और 625 को फिर 2 से भाग देना है और यहाँ पे आ जाना है बी ई का स्क्वायर प्लस 15625, ठीक है, इससे इसको भाग देंगे तो 312.5,
और इसको माइनस कर दो यहीं पे, तो 156.25 बराबर में आ रहा है बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर। अब अगर आप इससे माइनस कर रहे हो तो आप एक चीज़ पा रहे हो कि यहाँ तो 25 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका 5 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू मिल गई बी के स्क्वायर की। तो बी ई बराबर कितना मिल जाता है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा है कि ये जो है वो किसका स्क्वायर होता था, 12.5 का, ठीक है। बी ई की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे भाई, 12.5, तो वो वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर दें बस। तो 2/3 बी ई, बी की वैल्यू कितनी है 12.5। आपको पता है कि 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25/3 आता है, और 25/3 का मतलब 8 × 3 = 24, 1/3, 8 से ही 1/3, ऑप्शन नंबर ए है। शानदार क्वेश्चन, बोलो समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक, अब एक और बेहतरीन पॉइंट जिसको आपको याद रखना है जिंदगी भर। इफ द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इन अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु अगर तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है तो इस भुजा के सामने वाला कोण 90° होता है, या इसी का उल्टा मेरे ख्याल से शायद मैंने लिखवाया हुआ है, नहीं लिखवाया है तो इसको लिख लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के किसी समकोण, ये उल्टा वाले थ्योरम लिखवाई गई है, सीधी वाली पता नहीं मैंने पहले लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी लिख लो, तो किसी भी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है ना वो शीर्ष से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अगर ये दूरी x है तो ये भी x है तो ये भी x होगी, तो इसी का उल्टा यहाँ पे लिखवाया गया हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो है सामने, उस भुजा के सामने वाला जो कोण है वो हमेशा 90° का होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ठीक है, आगे चले। उसी पे बेस देखो एक क्वेश्चन भी है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी जी इज द सेंट्रोइड, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये जो जी पॉइंट है ये आपका क्या है सेंट्रोइड, ठीक है, और इसके अलावा क्या दे रखा है कि एजी बराबर बीसी है, एजी बराबर बीसी है ये दे रखा है, ठीक, हमें ये वाला कोण पता करना है। क्वेश्चन कितना आसान है एक बार बस सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से पता है कि जी पॉइंट जो है वो पूरी साइड को 2:1 में बांटता है, जी पॉइंट जो है वो पूरी साइड को 2:1 में बांटता है, ठीक, और ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि एजी की जो लंबाई है वो बीसी के बराबर है, एजी बराबर कितना है बीसी, तो इसका मतलब बीसी भी कितना हो गया 2। अगर आपने AG को 2 माना है तो BC भी कितना हो जाएगा 2, और जब BC 2 हो जाएगा तो ये तो रहा इसका मिड पॉइंट, और जब मिड पॉइंट रहा तो ये कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1। तो जरा ध्यान दो किस ट्रायंगल में, BGC में, ये वाला G पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, ये वाला C पॉइंट है, और ये रहा आपका मध्य बिंदु। आपने ये प्रूफ किया है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है यहां तक, पर ये भी 1 है, तो जरा याद करो अभी अभी एक थ्योरम लिखवाई है, वो थ्योरम क्या थी कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु यदि तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है तो उस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है 90°। ठीक, अब क्लियर है, अब समझ में आ गया, आगे बढ़े। एक ये भी रिलेशन याद करना, इसे केवल नोट कर लेना, जब क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज कर लोगे डायरेक्टली, हम इसी का समझ रहे थे कि कोई भी फिगर बना के हम समझा दे रहे हैं क्या है कि जैसे एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, थोड़ी देर के लिए ठीक है, ए बी सी इधर मत मानो, यहाँ पे आप मान लो ए बिंदु को और यहाँ पे बिंदु मान लो बी, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई एक मीडियन बी एल, ये दोनों बराबर है, और दूसरी मीडियन आपकी क्या हो गई सी एफ, ये दोनों भी पॉइंट बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस वही लिखा हुआ है कि इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का 4×5 के बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, बस ये थ्योरम याद करनी है आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो साइड देके तीसरी साइड पूछ लेता है, इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं होता है। ठीक, आगे एक दो क्वेश्चन और हैं, जल्दी से करके सेंट्रोइड खत्म करते हैं इसी वीडियो में, और अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो हम अगले वीडियो में लेके चलेंगे, टेंशन ना लो। इन अ ट्रायंगल ए बी सी
M is the point on BC. M is the point on BC. Length of AM. Mid point बोला गया है, यानी कि median हो गया. Length of AM is 9. Okay. AM बराबर कितना हो चुका है? 9. N एक point है on AM such that MN is equal to 1. ये एक point है. इस दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी हैं? 1. ठीक. क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी. हिंदी में एन तथा, यहाँ पे तथा लिख देना, एन तथा केंद्रक के बीच की दूरी ज्ञात करें तो केंद्रक होता है हमारा यहाँ पे जी. ठीक, आपको अच्छे से पता है कि अगर पूरी लंबाई 9 है तो ये वाली लंबाई 6 होगी और यहाँ से यहाँ तक केवल और केवल कितनी बचती है? 3. पूरे मीडियन की लंबाई अगर 9 है तो ए से जी तक की जो दूरी होती है वो दो भाग होता है तो 6 होगा और नीचे वाला भाग कितना होता है? 3. तो 3 में से एक तो ये हो गया, हमसे जी और एन के बीच की दूरी पूछी गई थी तो आंसर कितना? 2. खत्म का. इतना आसान क्वेश्चन. जी हाँ, इतना आसान क्वेश्चन और आपने आंसर भी दे दिया, बहुत शानदार. आगे एक और क्वेश्चन है. इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ए बी सी, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री. तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. डी जो है वो मिड पॉइंट भी बोल दिया है ए सी का. अब ए सी बराबर कितनी दे रखी है? 4√2. ए सी बराबर कितनी दे रखी है? 4√2. तो मेरे भाई ये कितना होगा? 2√2, और ये भी कितना होगा? 2√2. ठीक, पूछा क्या गया है? बी डी पूछा गया, बता सकते हो? अभी थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है. तो अगर इस शीर्ष से 2√2 है, इस शीर्ष से 2√2 है, तो इसका मतलब इस शीर्ष से भी कितना होगा? 2√2. तो बी डी का मतलब क्या हो जाना है? 2√2 आंसर हो गया. आ गया पक्का? आगे चलें. ठीक है, हाँ जी. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का. टू मीडियंस ए डी एंड बी ई ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल. एक बढ़िया सा त्रिभुज बनाया है, अच्छा बनाया है. बनाना तो ए बी सी ही है. ठीक है, एक भुजा हो गई, मीडियन हो गया ए डी, और दूसरा मीडियन हो गया बी ई, और ये एंगल जो दे रखा है वो कितना है? 90 डिग्री. ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन. ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है. क्वेश्चन में और क्या कह रहा है? जी बिंदु पर काटते हैं, बहुत शानदार, राइट एंगल पर काटते हैं, कटवा दिया. ए डी की लंबाई कितनी है? 9. तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 6, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 3. समझ में आ रहा है? जी पॉइंट जो है वो 2:1 में बांटता है. ए डी बराबर 9 दे रखा है, तो ए से जी तक 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3. 2:1 में बांटेगा. इसी प्रकार बी ई बराबर 6 दे रखा है. 6 देने का मतलब क्या होता है? ये वाली लाइन 4 है, तो ये वाली लाइन कितनी है? 2. अब हमें केवल मतलब रह गया इस ट्रायंगल से, मतलब ही दुनिया, मतलब रह गया इससे. हमें पता करनी है बीडी की लंबाई. तो मेरे ख्याल से सबका आंसर आ चुका है, बीडी की लंबाई कितनी होगी? 5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5. ठीक है, तो इतना अभी सेंट्रॉइड में काफी है. अभी हमें बहुत सारे सेंटर पढ़ने हैं, फिर ज्यादा होगा तो कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे. ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.